उत्तरकाशी के सिलक्याना सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए कई स्तरों पर कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की बाधाएं भी सामने आ रही हैं। अब सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू हो चुकी है। अब करीब 30 मीटर से अधिक की खुदाई पूरी कर ली गई है। वहीं 48 मीटर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के दौरान जो ऑगर मशीन सुरंग के अंदर डाली गई पाइप में फंस गई थी, उसे प्लाज्मा कटर से काटकर पूरी तरह बाहर निकाला जा चुका है। अब इस ड्रिलिंग में 48 मीटर से आगे की खुदाई मैन्युअली की जाएगी। इसके लिए 6 रेड माइनर्स की एक टीम को सिलक्याना बुलाया गया है। रेड माइनर्स ने बताया कि माइनर्स बारी बारी से रेस्क्यू के लिए बनाई गई पाइपलाइन के अंदर छोटा सा फावड़ा लेकर जाएंगे। छोटी ट्रॉली में एक बार में 6 से 7 किलो मलबा लादकर बाहर निकाला जाएगा। इस दौरान रेड माइनर्स के पास ऑक्सीजन मास्क, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मे और पाइपलाइन के अंदर एयर सर्कुलेशन के लिए ब्लोअर मौजूद होगा। इन रेड माइनर्स के पास दिल्ली और अहमदाबाद में इस तरह के कामों का अनुभव भी रहा है। रेड माइनर्स ने कहा, हम एक ही समुदाय के हैं, हम मजदूर हैं। सुरंग के अंदर जो फंसे हैं वो भी मजदूर हैं। हम उन 41 मजदूरों को बाहर लाना चाहते हैं। हम भी किसी दिन ऐसे फंस सकते हैं, तब वो हमारी मदद करेंगे। इन माइनर्स ने आगे कहा कि हमें ऐसे काम का अनुभव है, कई साल से हम यही कर रहे हैं। इतना भरोसा है कि हम ये कर लेंगे। इस काम के बारे में जानकारी देते हुए रेड माइनर्स ने बताया कि पहले दो लोग पाइपलाइन में जाएंगे, एक आगे का रास्ता बनाएगा और दूसरा मलबे को ट्रॉली में भरेगा। बाहर खड़े 4 लोग पाइप के अंदर से मलबे वाली ट्रॉली को बाहर खींचेंगे। एक बार में 6 से 7 किलो मलबा बाहर लाएंगे। फिर अंदर के 2 लोग जब थक जाएंगे तो बाहर से 2 लोग पाइपलाइन में जाएंगे और इसी तरह बारी बारी ये काम चलता रहेगा। गैती फावड़ा का इस्तेमाल करेंगे, फावड़े का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगर कोई पत्थर आता है तो इसका हिल्टी का कम मतलब पूरा प्रक्रिया बताइए। जो पाइप है 900 mm की, इसमें कैसे घुसेंगे, सेफ्टी मेजर्स क्या अपनाएंगे, मशीन कौन कौन सी होगी और कैसे मलबे को निकालेंगे? मलबे को ठेली के द्वारा निकाला जाएगा। बेरिंग वाली ठेली होती है जो, उस पर तसला रख के आएगा। तो सिर्फ आप ही लोग अंदर जाएंगे या सेना के जवान भी मदद करेंगे आपको? नहीं, उसमें उनका कोई मतलब नहीं। आप जाओगे? हाँ जी। कब घुसोगे आप लोग? अभी जब तक वहाँ ये क्लियर होगा इसके बाद ही जा पाएंगे। जो तसला है उसमें कितना किलो मलबा एक बार में आएगा? एक तसले में कम से कम 5 से 6 किलो मलबा आएगा। और ऑक्सीजन की कमी आएगी तो? ऑक्सीजन के लिए हमारे साथ ब्लोवर जाएगा। अच्छा। ब्लोवर के साथ हवा देने वाला भी जाएगा, जो धूल उठती है उसके बाद एक खींचने वाला भी आएगा। कम उन दिन हम उन लोगों भी फंस जाएंगे तो वे भी निकालेंगे, ये भी हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है भाई, तो बहुत भाई है। आप लोग तैयार हो अंदर जाने के? हाँ। अब आपको बता देते हैं कि रेड माइनिंग आखिर होती क्या है। दरअसल रेड माइनिंग को आम बोलचाल की भाषा में समझे तो चूहों की तरह खुदाई करना कह सकते हैं। जब जगह बहुत संकरी होती है, बड़ी मशीनें या ड्रिलिंग का अन्य उपकरण ले जाना संभव नहीं होता, तो रेड माइनिंग का सहारा लिया जाता है। इसमें इंसान हाथों से खुदाई करता है, यानी मैन्युअली काम किया जाता है। क्योंकि कम जगह में इंसान धीरे धीरे खुदाई करता है, इसलिए इसे रेड माइनिंग नाम दिया गया है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि इस टेक्निक के जरिए ही मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो पाएगा। टाइम्स नाउ, नव भारत, डिजिटल की रिपोर्ट।